रजिस्टर है मेरा 130K, सो 130 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने के, और जब निकालूंगा सो आप देख सकते हैं 0.5, सो 0.5 यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। इमेज में तीन पावर लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, पहली पावर आपको ये लगी हुई है, जिसमें आपको जो पहली पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी 6365, ये है पावर नंबर 1। दूसरी पावर जो लगी हुई है उसमें ये यहाँ लगी हुई है, जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, जो है 6315 पावर नंबर 2। और तीसरी पावर ऐसी जो यहाँ लगी हुई है इधर, सो आप देखिएगा यहाँ पर लगी हुई है, जो कि लगी हुई है 6360 पावर नंबर 3। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, मोबाइल इंडस्ट्री जिस तरह से 4G से 5G में एंटर कर गई है, और जिस तरह से जियो अभी दिसंबर तक पूरे इंडिया में 5G लॉन्च कर देगा, और मुझे लगता है कि घर घर में 5G होने वाला है, तो 5G मोबाइल भी आ गए हैं, और जिस तरह से फेस्टिवल सेलिंग चल रही है, 5G मोबाइलों को सस्ते दामों में बेचा जा रहा है, उसी तरह हम टेक्नीशियन के पास भी 4G के अलावा 5G सेट भी एंटर करने वाले हैं। हमको भी उस सेट के डायग्राम एक्सप्लेन और बनाने, इवन समझ में सब तरह से आने चाहिए, तो इसलिए ये सेट टेलीकॉम आपके लिए लेके आया है, एक 5G सेट का सर्किट डायग्राम चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों, ये मैंने ओपन किया हुआ है पोको का M3 Pro 5G, तो ये जो मॉडल है पोको का M3 Pro एक 5G हैंडसेट है, और इस फोन में अगर मैं पावर एसी की बात करूं तो ये इसमें तीन पावर लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर आप नोटिस कीजिएगा, पहली पावर आपको ये लगी हुई है, जिसमें आपको जो पहली पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी 6365, ये है पावर नंबर 1। दूसरी पावर जो लगी हुई है उसमें ये यहां लगी हुई है, जो मैं आपको यहां दिखाऊंगा, जो है 6315 पावर नंबर 2। और तीसरी पावर ऐसी जो यहां लगी हुई है इधर, सो आप देखिएगा यहां पर लगी हुई है, जो कि लगी हुई है 6360 पावर नंबर 3। तो ये जो सर्किट है ये तीन पावर आईसीओ का सर्किट है। सो बेसिकली तीन पावर आईसीओ का सर्किट एक कैसा चार्जिंग सेक्शन बनाएगा, क्या होगा इसमें चार्जिंग, और कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं तो हम 5G के और अपग्रेड मॉडलों को समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि मीडियाटेक एक सर्किट लेवल पे सबसे आसान सर्किट माना जाता है, क्वालकॉम उससे थोड़ा और टिपिकल हो जाता है, इसको समझने के लिए थोड़ा और हमें सर्किट कोडिंग की ज्यादा जरूरत होती है। सो आई होप कि आपको ये जितना भी मैं समझाऊं उतना आपको समझ में आए, और कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको समझाऊं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मेन चार्जिंग आईसी कौन सी है, तो मेन चार्जिंग आईसी हमारी यहाँ पे CPU और UFS अगर इसमें लगा है तो इसके नीचे यहाँ पर ये आईसी है, जिस आईसी का नंबर अगर मैं बात करूंगा ये है 6360। अब आप सोचेंगे कि मैंने कैसे ढूंढा, तो चलिए आपको ढूंढना सिखाते हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल कोडिंग सर्च करनी है। दो तरीके से दोस्तों हम चार्जिंग सेक्शन को ढूंढ सकते हैं, पहला या तो हम अपने B2B कनेक्टर पर चले जाएं, जैसे ये हमारा B2B कनेक्टर है, और इस कनेक्टर पे अगर हम बात करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे हमारा एक सप्लाई हमें चार्जिंग की देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर ये देखिए, तो ये सप्लाई जो हमको दोस्तों देखने को मिल रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सप्लाई हमारी चार्जिंग सेक्शन के जो नीचे से आने वाले सब बोर्ड्स की सप्लाई है, जहां पर हमको 5 वोल्टेज इन करेगा जैसे ही हम चार्जर लगाएंगे। तो आप यहां से जा सकते हैं, और ये जो कोडिंग है BUS_USB_IN, आपको इसी कोडिंग को लेके चलना है। तो अब मैं अगर बात करूं यहां पर, तो दोस्तों अब मैं अगर बात करूं, मैं इसको जैसे डबल टिक करता हूं, तो ये देख सकते हैं आप यहां पर ये स्टोर हो गई है। अब यहां पर मैं सिर्फ यहां पर जाकर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आप नोटिस कीजिएगा, तो जैसे जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया ये सप्लाई आगे बढ़ती जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को डबल उसमें कर लेता हूं, और ताकि आपको डायग्राम ज्यादा दिखे। अब आप नोटिस कीजिएगा, तो मैं इसको फिर से एक बार और आगे बढ़ाऊंगा। सो देखिए, सो अब इसका सबसे पहला जो पॉइंट आया हमें चार्जिंग टेस्ट पॉइंट आया है। अगर ये टेस्ट पॉइंट अगर हम ढूंढना चाहते हैं, सो डबल टेक में हम यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, मतलब आप जब चार्जर लगाएंगे तब आपके बोर्ड के जस्ट ये देखिए, ये आपका अगर आप चार्जर लगाएंगे
तो आपके जो B2B कनेक्टर है उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। मैं हर जगह आपको ये चीज नोट करते हुए चलूंगा। ये तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अगर आप नीचे से अगर आपका वायर टूट जाता है या फ्लेक्सिबल डैमेज हो जाता है तो इस पॉइंट से आप एक जम्पर मार के 5 वोल्ट का आप उठा सकते हैं और अपने चार्जर को बना अपने चार्जिंग के फॉल्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर कहा जाता है और उसके साथ हमारे क्योंकि इसमें टाइप सी का यूज किया गया है और आप देख सकते हैं कि टाइप सी में आपको कौन कौन सी सप्लाई देखने को मिल रही है। एक USB C1, एक USB CC, एक USB CC1। ये जो होती है जो दोस्तों ये चार्जिंग डिडक्शन की सप्लाई होती है जो टाइप सी के लिए खास तरह की सप्लाई होती है। बाकी नॉर्मल वैसी सप्लाई आपकी आपकी DP और DM की सप्लाई होती है। सो CC1 और एक इसमें CC2 भी होता है। कई फोन में CC2 NC के रूप में होता है और CC1 भी कई फोनों में MC दे देते हैं कुछ ICU में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूँ PMI 632। बट अगर आप इसको भी ढूंढेंगे तो आप इसको भी आप देखेंगे कि किस ICU के अंदर आपको ये जाएगी। तो इसको ढूंढने के लिए भी आपको इस कोडिंग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा या इसको डबल टेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रीडेबल होते हैं, क्लिकेबल नहीं होते हैं। अब मैं वापस इसको क्लिक करूंगा, ये वापस यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट जाऊंगा, अब इसके बाद ये कहाँ जा रहा है सो आप देखिएगा। अभी तो मुझे वापस वहीं पे ले गया, फिर नेक्स्ट करूंगा। अब इसके बाद ये डायग्राम मुझे जो लेके जा रहा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा एक OVP IC जो कि जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। पहले मैं IC बता दूं तो आप देख सकते हैं ये IC यहाँ लगी हुई है और इस IC की लोकेशन अगर मैं बताऊं तो इस IC की लोकेशन जस्ट उस कनेक्टर के पीछे इस चार्जिंग IC के बगल में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ताकि आप फोटो खींच सकें, अगर आपको पास एक Poco M3 का फोन आया और अगर आपको इस फोन को बनाने में दिक्कत जा रही है ताकि आप मेरे इस वीडियो के रेफरेंस से आप इस फोन को बना सकें, तो दोस्तों ये IC है आपकी OVP IC। और अगर ये IC खराब होगी दोस्तों तो ये आपके 5 वोल्टेज को आगे रेगुलेट होने नहीं देगी जिसकी वजह से आपका चार्जिंग सेक्शन नो चार्ज पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा अब इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं क्योंकि दोस्तों कंपोनेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस IC पे। अगर मैं बात करूँ OVP में सिर्फ ये बोलने को कि इन आउट होता है तो अभी फिलहाल इन आउट पर के तट पर अगर आप IC निकालते हैं तो आप इसको यहाँ से यहाँ पर जम्पर मार के इसको बाईपास कर सकते हैं। बट कभी कभी दोस्तों कुछ सेटों में ये बाईपास होने के बाद भी फॉल्ट एरर देती है तो उस एरर को हम कैसे बनाएंगे, तो हमें ये IC को लगाना होगा और हमें IC की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। तो बेसिकली इस IC की रिक्वायरमेंट के अगर इनपुट की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको एक 35 वोल्ट के एक की क्षमता वाला एक कैपेसिटर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 25 वोल्ट वाली क्षमता का कैपेसिटर दिया हुआ है। यहाँ पर ये रजिस्टर NC है तो यहाँ पर ये लगा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर और बात करूं अब आप देखिएगा तो यहाँ पर एक ओवर वोल्टेज लॉक, सो आप देखिएगा यहाँ पर ओवर वोल्टेज लॉक करके एक आपको यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पर एक ना एक डिवाइडर रजिस्टर लगा हुआ है जिसको हम रजिस्टर का डिवाइडर सर्किट बोलते हैं जिस पर हम R1 R2 और ये हमारा V हो जाता है। इस फॉर्मूले से आप यहाँ का एक वोल्टेज निकाल सकते हैं पर जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर 5 वोल्ट आता है और यहाँ पर आपके जो रजिस्टर लगे हैं वो 1 मिलियन का एक, सो यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हैं वो 1 मेगा का लगा हुआ है और एक 130K का लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम इसकी वोल्टेज निकालना चाहें तो इसको निकालने के लिए दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है। मैं आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी ले जाना चाहता हूँ तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट ले जाता हूँ। अगर मैं उस वेबसाइट पे आपको देखो तो ये है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जिसको इजी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेरा सोर्स वोल्ट है 5, मैं डाल दूंगा रेजिस्टेंस है मेरा 1 और ये है मेरा मेगा, सो 1 मेगा और यहाँ पर सेकंड रजिस्टर है मेरा 130K, सो 130 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने के और जब निकालूंगा सो आप देख सकते हैं 0.5, सो 0.5 यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। सो बेसिकली बहुत सारे लोग मैं बात करूं यहाँ पर गलत तरीके से बताते हैं कि यहाँ पर 1.8 आता है, इसका सही रिजल्ट 0.5 है। तो अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं तो अगर मैं बात करूं अगर यही रजिस्टर लगे हैं तो क्योंकि रजिस्टर चेंज हो जाएंगे तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 5 वोल्ट और इस वाली पिन को
0.5 मिलना चाहिए चार्जिंग इंसर्ट होने पर। अगर ये एक इसमें से एक भी रजिस्टर मिसिंग हो गया तो आपका चार्जिंग का फॉल्ट बन जाएगा, तो चार्जिंग का आपका एरर आएगा दोस्तों, इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए कि इसके ईएन को ग्राउंड किया है, मतलब यहाँ पर लो किया हुआ है आईसी को, आईसी को लो करके इसको चालू किया हुआ है। अगर इसके अंदर मॉसफेट की बात करूंगा तो यहाँ पर अगर ये मॉसफेट का गेट होगा तो ये एक तरह के पी चैनल का मॉसफेट यहाँ पे यूज किया गया होगा। और बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप एक्नॉलेजमेंट की, यहाँ पे पिन को एनसी बताया गया है और यहाँ पर ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सबसे पहले आए, ये आपके पास फोन आए तो आप इन से आउटपुट पे एक जम्पर मार सकते हैं, जिससे आपका जो वोल्टेज है वो ड्राइव कर जाएगा आगे। अगर देखिए चार्जर लगा के कोई फॉल्ट बनता है तो फिर इस आईसी को लगाइए और इन कंपोनेंट पे काम कीजिए, एक पहला रजिस्टर एक दूसरा रजिस्टर, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर लगे होने बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है कि उतने ही मान के लगाने हैं, आपको 0.5 बनाने हैं तो अपने डिवाइडर सर्किट को मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। चलिए अगर मैं अब इसके आगे की बात करूंगा तो इसके आगे हम इसको अगर मैं इसके आगे की बात करूंगा तो इसके आगे मैं इसको डबल टिक फिर से करता हूं और फिर इसको आगे बढ़ाता हूं और फिर इसको आगे बढ़ाता हूं। तो आप देखिए अब ये अपने चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो जाता है, जिसमें आप देखिए एक एनसी कैपेसिटर लगा हुआ है और एक 50 वोल्ट का है, जनरली 50 वोल्ट का एक इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है जो 2.2 माइक्रो फेराड है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर है MT6360, ये इसका पावर आईसी है। अब ये पावर आईसी कौन सी है तो मैं इसको डबल टिक कर सके यहाँ पे इसकी पावर आईसी को बता सकता हूँ, क्योंकि वो उसके साथ में एक नंबर है इसलिए आ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये इसकी ये पावर आईसी यहाँ पर दी गई है, सो U1601 यहाँ पे इसकी पावर आईसी दी है। अब इस कैपेसिटर को अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इस कैपेसिटर को अगर मैं टच करता हूँ तो देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पर ये दिया हुआ है। सो अगर आपके पास में आपको ओवीपी प्रोटेक्शन आईसी नहीं निकालनी है और अगर आपको आईसी निकालना नहीं आते हैं, जनरली सेट आपके पास आ गया है, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस कैपेसिटर के पहले आप एक डायोड मोड पे लेके इसका ये चेक कीजिए या बजर मोड पे ले लीजिए कि कहाँ पे बीप आ रही है। जिधर बीप आ रही है उस सिरे को छोड़ के दूसरे सिरे से आप एक जम्पर उठा के अपने सीसी से भी जम्पर लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इस आईसी को हमें 5 वोल्ट इन करा, इस कैपेसिटर को हमें 5 वोल्ट इन कराना है ताकि आईसी के अंदर चले जाए। अगर दोस्तों आप आईसी के रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग आईसी का डाटा सीट यहाँ पे आईसी पर मिल जाएगा। सो अगर मैं चार्जिंग आईसी के डाटा सीट की बात करूं तो यहाँ पर इस डाटा सीट में देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर मैं चार्जिंग की आईसी की डाटा सीट की बात करूं तो यहां पर आपको जो डाटा सीट आपको देखने को मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां पर नोटिस कीजिएगा, तो यहां पर ये इन हो रहा है चार्जिंग इन, जिसको हम यूएसबी इन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे डायग्राम में बहुत सारी कोडिंग होती है और यही इसका प्लस पॉइंट है और यही चार्जिंग इन होने का ये ग्राउंड है दोस्तों। ये ग्राउंड होना भी बहुत जरूरी है, अगर ये ग्राउंड भी अगर चार्जर चार्जिंग के पैड से अलग हो गए तो आपका चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात करूंगा, दूसरा है मिडी की लाइन दोस्तों। सो यहाँ पर एमआईडी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है और ये तरह से ये बताती है अगर यहाँ पर भी आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए, लगभग 5 वोल्टेज मिलेंगे या इससे थोड़े से आपको वोल्टेज कम देखने को यहाँ पे मिलेंगे अगर आपने चार्जर लगाकर इस कैपेसिटर पर, अगर मैं ये कैपेसिटर बता दूं कहाँ पर है, अगर आपने चार्जर लगाकर इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज देख लिए तो आप ये समझ जाना कि आपकी आईसी इस वोल्टेज को इनपुट ले रही है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे उस वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए ही है और या तो बोल सके आईसी के खुद के ओवर प्रोटेक्शन के लिए ये उन्होंने सप्लाई लाइन दी हुई है। अब इसके बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपकी चार्जिंग डिटेक्शन एक लाइन है जो यहाँ पर पीडी बीवर्स दिया हुआ है, तो ये लाइन भी आपकी बनी रहना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आईसी निकालकर यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम पीडी कनेक्शन का माइनस पॉइंट, जैसे यहाँ पर प्लस पॉइंट दिया हुआ है वैसे ही इसका माइनस पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूएसबी आईडी यहाँ पर उन्होंने एनसी बताई है जो कि इन्होंने इस आईसी में नहीं डाली है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर टाइप सी का यूज हुआ है, ठीक है, और टाइप सी में यूएसबी आईडी नहीं होती है, वहां पर CC1 CC2 को यूज किया जाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात करूं, देखो CC1 CC2 यहाँ पर मिल गई है, पीडी मतलब आपका चार्जर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर यूएसबी CC1 CC2 यहाँ पर इस लाइन पे आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये लाइन को बनाया गया है और इस लाइन को एनसी नहीं बताया गया है। सो यहाँ पर भी 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए गए हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है टाइप सी डिफाइन सीसी रेंज, यहाँ पे 200 PF से 600 PF तक का आप कैपेसिटर यूज कर सकते हैं।
और भी यहाँ पर 25 वोल्ट बेस ऑन रेटिंग, मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाने की क्षमता बता रहे हैं वो 25 वोल्ट लगभग झेलने की क्षमता बता रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये लाइन नॉलेज भी नहीं है, ये आप देख लीजिए इस वीडियो के सारे। अगर दोस्तों ये जो रजिस्टर होता है ये एक 698 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, ये ILMI की लाइन है। अगर रजिस्टर आपका निकल जाता है तो आपको फेक चार्जिंग की समस्या से निकल गुजरना पड़ेगा, सो ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपका फेक चार्जिंग बनता है तो आप इस यहाँ पर इस रजिस्टर को भी आप लेके चल सकते हैं और इस आईसी को, पर इस A4 के पैड के साथ रजिस्टर को ढूंढ के आप यहाँ पर एक हाई वैल्यू का रजिस्टर 1K का भी लगा देंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों RGB लाइन हमारी चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है, FLED लाइन हमारी चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर चार्जिंग से रिलेटेड हमारी यहाँ पर है, सो ये हमारी टोटली आउटपुट की लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बी बैट आउटपुट हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक बी बैट की लाइन यहाँ से, और ये सेंस पॉजिटिव सेंस निगेटिव की लाइन है जो कि हमारे बी बैट के बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से जुड़ी होती है, तो ये दोनों लाइन का भी जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्जिंग बूट की बात करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा अभी तो मार्केट में ये सारी चीजें कॉमन हो गई हैं और हर एक को एक चीज का नॉलेज है कि चार्जिंग आईसी के पास एक कैपेसिटर मिलेगा जिसको बूट कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर के एक और 8 वोल्टेज और दूसरी ओर 4 वोल्टेज, इस तरह का आपको सर्किट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको ये देखिए कॉइल भी देखने को मिलेगी जिसको चार्जिंग का कॉइल बुलाते हैं। ये कॉइल का जो वैल्यू होता है दोस्तों ये 1 माइक्रो हेनरी का होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप अगर आपको ये कैपेसिटर पे इतना वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये फेक चार्जिंग आपका बना सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज ना बने तो आप सबसे पहले दोनों पर GR जरूर चेक कर लेना, ये पता करके कि कैपेसिटर पर जो GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो IC से कनेक्टेड है कि नहीं है। फिर उसके बाद में पहले कैपेसिटर को ही चेंज कीजिएगा, फिर उसके बाद में इस कॉइल को चेंज करके फिर बाद में फिर IC को चेंज कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों क्योंकि आईसी एक DC-to-DC आईसी है इसलिए VS/YS की सप्लाई बना रही है जो कि इस कॉइल को थ्रू आपको बाकी अलग अलग सर्किटों में दे रही है। अभी यहाँ पे बात करूं ये चार्जिंग VDDP की लाइन है तो ये लाइन भी ग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैपेसिटर भी हटेगा तो आपका चार्जिंग आपको रुक सकता है, फेक चार्जिंग पे जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल सेंस की लाइन आप देख सकते हैं तो ये लाइन आपस में एक दूसरे को जोड़ी हुई है जो कि एक तरह से ये दर्शाती है कि ये लाइन कहीं नहीं भेजी गई है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर चार्जिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं चार्जिंग सेक्शन में खत्म हो जाता है। अगर मैं अभी भी और चार्जिंग सेक्शन को ढूंढूं तो यहाँ पर मैं मेन पावर आईसी पर भी जाना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि वीडियो में मैं पूरा बताना चाहता हूँ तो पूरा ही बताऊंगा। सो आप देखिए यहाँ पर ये मेन पावर आपको सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो अगर मैं इस मेन पावर आईसी में आप देखिए मैं इस चार्जिंग आईसी को ढूंढूं तो बस मुझे यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए ये इसकी बक यूनिट है और अब देखिए यहाँ पर ये LDO यूनिट है और देखिए तो आप देखिए यहाँ पर भी चार्जिंग यूनिट आ गई है। सो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक मेन पावर में भी मीडियाटेक के सर्किटों में खासतौर पर मेन पावर में भी चार्जिंग का सप्लाई जाती है जिसमें VCDT की लाइन, LDO और बहुत सारे वो आपके LDO ड्राइवर्स ये सारी सप्लाई लाइन जाती है। सो फिलहाल यहाँ इस IC की हम बात करेंगे तो एक पैड सेंस के थ्रू एक VSY एक पैड सेंस के थ्रू इस VSY सेंस की लाइन पे जाती है। सो अगर ये यहाँ पर M11 पर अगर ये वोल्टेज आना बंद हो जाएंगे तो भी आपको चार्जिंग का एरर देखने को मिलेगा, तब आपको क्या करना होगा इस कैपेसिटर से सिंपल सी बात है ये कैपेसिटर ढूंढना होगा जो कि आपको यहाँ लगा हुआ है। और दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको सिर्फ इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट से एक VSYS मतलब एक 4 वोल्टेज वाली एक सेकेंडरी लाइन को जम्पर लगा देना होगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको आईसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि आप आईसी से बाहर कर रहे हैं अभी ये नहीं पता है कि वो आईसी के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सो ये वाली चीज भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बैट ऑन की सप्लाई और चार्जिंग डिटेक्ट की सप्लाई दी हुई है। सो आप जानते होंगे कि बैट ऑन क्या होता है, ये हमारे बैटरी कनेक्टर की बैट ID और बैट ऑन मतलब थर्म की लाइन होती है जो कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाती है। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूल गेज सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, फ्यूल गेज जो कि टेम्परेचर की हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए आपके BMS सर्किट में भी लगाया गया है और आपकी मदरबोर्ड में भी लगाया गया है।
सो यहाँ पे आपका सी, जिसको सी एस पी बुलाते हैं उसको कहते हैं चार्जिंग सेंस पॉजिटिव, चार्जिंग सेंस नेगेटिव, और ये दोनों ही लाइन पर। दोस्तों सिंपल सा फंडा ये है, आपने अगर आपके पास लो बैटरी का आए मैसेज कि आपकी बैटरी लो रही है, आपकी बैटरी डिटेक्ट नहीं कर रही है, तो फिर इसका मतलब है आपको ये दोनों लाइन चेक करनी है कि ये ग्राउंड है या नहीं है। पैड आपको ऐसे निकाल के दोनों लाइन पे ये आपको ग्राउंड चेक करना है। और दोस्तों ये है बैटरी एडीसी का सर्किट है जो कि बीबैट्सो के बैक से एक सेंसिंग पैड के थ्रू जा रहा है। सो आपको इस कैपेसिटर पे भी बीबैट वाले वोल्टेज चेक करने हैं या इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 5G पोको का M3 5G का चार्जिंग सर्किट। और सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यहाँ मैंने पूरी चार्जिंग सर्किट को एक्सप्लेन किया है, वो भी पोको M3 5G, एक 5G चार्जिंग सर्किट एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं और एक बड़े बड़े, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल चार्जिंग सर्किट है, मैं आपको ओप्पो के चार्जिंग सर्किट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वन प्लस के चार्जिंग सर्किट एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जिसमें मॉसफेट का यूज किया गया है, अलग अलग मॉसफेट पी चैनल एन चैनल टाइप के। चलो दोस्तों मैं आपको एक नया वीडियो इसके बाद लेकर आऊंगा जिसको हम डबल ट्रांजिस्टर, जिसमें एक चार्जिंग आईसी ऐसा ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको बीई आप कहें ना, आपको कलेक्टर बेस एमिटर, तो टेक्नो के मोबाइल में आता है। तो चलिए मैं इसके बाद में वो एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप कि आपको वो भी अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और दिल से कर देना, और वीडियो को और अच्छा लगे तो शेयर कर देना ताकि आप जैसे भाइयों को फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?